हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है अमावस, तो हमने अमावस वगैरह निकाल दिया है और 12 बज चुके हैं। 12 बजे के बाद हमने सोचा कल नवरात्रे स्टार्ट है, तो हम आज कर रहे हैं मंदिर की सफाई और आज हम माता रानी को सुंदर सी नहला देंगे। कल उनको गंगा जल के छींटे लगा कर उनको तैयार कर देंगे। कर दिया है मंदिर बिल्कुल खाली, भगवानों को बैठा दिया हमने। मेरे काना कह रही काना जी शरारती हो रखे हैं, लॉलीपॉप खा रहे हैं। भाई हमारे घर में छोटे बच्चे ये है ना, तो ये खाते हैं। और अब हम नहलाएंगे माता रानी को, उसके बाद हम पूरी रूम जो मंदिर का रूम है उसको क्लीन कर देंगे और फिर कल से हम रखेंगे नवरात्रे। और कल हम उठने वाले हैं 4 बजे सुबह सुबह और उठ के पूजा करने वाले हैं और खुशी भी मेरा पूरा साथ देगी। तो चलो चलते हैं, माता रानी को नहलाते हैं। तो यहाँ पे निशा दीदी माता रानी को उठा के देख रही। खुशी कह रही मैं लेऊंगी माता रानी को गोदी में। हम बाहर लेके आए हैं माता रानी को, तो पहले पीताम्बर से सुंदर सी साफ करेंगे और फिर इनको नहलाएंगे। अब सब माता रानी को गोद में बस मेरी माता रानी को इतना ही बतेरा भाई, मैं तो उठा दूंगी देखो। हाँ बोली, आप उठा सकते हो क्या मैया को? अरे मैं कैसे उठा सकता हूँ भाई, गोली की एक आदत हो चुकी है, कोई किसी का हाथ देखो 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 नो दीदी है। मामी ने माता रानी का सारा सिंगार उतार दिया है और मैं मामी से बोल रही हूँ कि मामी आप माता रानी का ही प्रॉब्लम कर दिया। मामा मामी ये है क्या, बाजू बंद है ठीक है। नहीं नहीं गणेश जी थोड़ी ना जो विसर्जन करके आएंगे। ये क्या लगाया? ऐसे छोड़ देना है, ये देखो मैं ऐसे वो करना है, ये वो थोड़ी है। देखिए गाइस, ये मम्मी और राहुल लेके आई थी इस माता रानी को, और इसमें ना बहुत ज़्यादा वजन है, ये मुश्किल से ही उठ पाती है, बहुत वजन है। कितने इसमें? 11 किलो वजन है। खुशी से तो ये उठ ही नहीं पाई। और अब देखो माता रानी को नई ब्रश से साफ किया जा रहा है बिल्कुल, फिर इसको नहलाएंगे। आज पूरा श्रृंगार करेंगे माता का। देखिए गाइस, अब माता रानी को नहलाया जा रहा है। डालो डालो ज्यादा करके। खुशी पानी डाल रही है, रेनू इसको नहला रही है। माता थोड़ा ऊपर कर, आराम
से नहा लिए, देख सकते हो आप भी ऐसे ही नहलाना अपनी माता रानी को जब भी नवरात्रे आए। कल अम्मी ने हल्के हल्के गंगा जल से नहला के तब कपड़े पहनाएंगे। कल उसको गंगा जल से थोड़ा हल्का हल्का नहला के फिर अब इस माता रानी को कवर कर देंगे, निकालेंगे माता रानी को मंदिर लेके जा रहे हैं, मंदिर लेके जा रहे हैं। गाइस अब मामी ने माता रानी को नहला दिया और मामी कर रही है अब मंदिर को सेट, मंदिर की सफाई सफाई हो चुकी है, सफाई हो चुकी है और मामी भगवान सभी भगवानों को अपनी अपनी जगह पे बिठा दिखे। नागुसे डर लग रहा है मुझे, डरते मामी कह रही डरते वो भगवान रहते हैं, देखो वो भगवान कितना और ये हमारे शनि का पेड़ है, शनि का पेड़ है असली वाला। हाँ जी असली वाला है शनि, और ये गणेश जी और पार्वती माँ है, और ये कान्हा जी है, और ये कान्हा जी और उनके साथ राधा भी है, और ये माता रानी थी, ये माता रानी थी, ये शिव जी का वो शिव जी ये शिव है, ये शिव है, इनको मैं डेली जल चढ़ाती हूँ, इनको मम्मी डेली जल चढ़ाती है। और जैसे दे सकते हो लड्डू गोपाल जी की शैतानी लेके बैठ गए लॉलीपॉप, और तब से मेरे मुंह में आ रहा है पानी, ये नहीं बताया आपने, और तब से मेरे मुंह में आ रहा है पानी, और देखो ये तो खाते नहीं है ये, और इनको खाते हैं इनके दांत में देखो कीड़े लग चुके हैं, कीड़े मानते ही नहीं है, मैंने मना। तो गाइस बर्तन भी बिल्कुल चमक चुके हैं जोत वगैरह कल के लिए, माता रानी की चौकी लगाएंगे हम कल यहाँ, और मंदिर हो चुका है क्लीन, और बच्चे कर रहे हैं लाइटिंग का इंतजाम, यहाँ पे लगाएंगे सुंदर सी लाइटिंग, और पीछे लगाएंगे माता रानी के लिए रेड चुन्नी, और आज ही हम बिल्कुल सारा चीज़ें सेट कर देंगे और फिर सुबह सुबह पूजा करेंगे। गाइस मैंने कर दिया लाइटिंग वगैरह का भी इंतजाम, और कल अच्छे से पर्दा वर्दा लगा के फुल लुक दिखाएंगे मंदिर की और माता रानी की भी। क्या हुआ गिर के इधर क्या, हमें नहीं पता आप लोगों के साथ था, हमारे साथ थोड़ी उसके बड़े पापा तो हैं, फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है। तो गाइस ग्रीक ले आए नवरात्रे का सारा सामान धीरे धीरे, और अभी तो शिवम भी ला रहा है सामान, और सामान हो चुका है सारा आके इकट्ठा, कट्टे में भी भरा हुआ है, और ये आ गया है कुछ फ्रूट मम्मी ने सुबह ले लिए थे, और अभी मैंने माता रानी के कपड़े धो दिए तो इनको सुखा देते हैं। तो गाइस अभी मामी सुखा रही है माता रानी के कपड़े। गाइस ये बना दिया मैंने माता रानी का लहंगा, ये इतनी सुंदर सी दुपट्टा, और ये इसमें हर तरह के फ्लावर हैं, और इसमें लाइनिंग लगाई है मैंने पर्पल कलर की, मैंने अब की बार थोड़ा यूनिक लहंगा बनाया है, हमेशा रेड पिंक बहुत सारे हो चुके हैं माता रानी पर, ग्रीन वगैरह सब कलर के हैं, तो मैंने अब की बार ये थोड़ा हल्के हल्के वाला बनाया सुंदर, तो कैसा लगा बताना कमेंट करके। तो गाइस हमने भी सीख चुका है कैसे बनाते हैं इजी वाला लहंगा, गाइस बहुत मस्त है और बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, इतना इजी है इतना। तो गाइस मम्मी लाई है इसमें ड्रेस का सामान, देखते हैं क्या क्या लाई है, सबसे पहले दो पैकेट लड्डू के जैसे रखते हैं, दो नहीं चार, चार पैकेट, चार नहीं छह, ये चिप्स, एक और पैकेट का चिप्स, गाइस दो पैकेट चिप्स के, और ये कोल्ड ड्रिंक इसमें आ गई, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई साथ, दो कोल्ड ड्रिंक ये बाहर जाएंगे सामान, ये बोल दो शुरू हो रहा है, ये भी तो गलती से आ गया गाइस, क्यों गाइस वो गलती से आ गया, मामी ये सामान तो दिखा, नहीं मम्मी सामान साथ में लेते हैं ना, छोड़ गाइस ये वाले मेरे फेवरेट चिप्स हैं, गाइस मैं मम्मी को दो पैकेट, गाइस ये तीन पैकेट है इस वाले चिप्स के, ये गया है क्योंकि ना तू उधर चली जा, डब्बा ही आका है उन चिप्स का, तो पैकेट है उनमें पानी पानी भर, एक डब्बा छोटा सा कपूर का है, बताओ वो वाले चिप्स में दो तीन चिप्स क्यों लाई मां, क्योंकि ना हवा ज्यादा भरी हुई है चिप्स कम है, और इसमें सामक 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 इसको मैं निकालूंगी, और ये है कुट्टू का आटा सामक उसका क्या सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा सिंघाड़े का, और गाइस इसमें है और क्या क्या है इसमें, और ये सब शैम्पू वगैरह है, कंडर है, मैगी वगैरह बहुत सारी चीज़ें है, वो किचन की है,
और यहाँ का तो मम्मी लाई है ये सामान और उधर दिखाओ पीओ ये सामान और ये मंदिर का सामान और फ्रूट ये हमारा मंदिर ये है माता रानी हम इसको कल खोलेंगे और ये है व्रत का सामान और ये भी व्रत का और इसमें जो है वो है किचन का सामान हैप्पी बर्थडे नहीं बोला केक खाइयो तो गाइस ग्रीन आज नहीं है इसका बर्थडे 25 को और फिर ये चला जाएगा हमसे 24 को ही और फिर नवरात्रि शुरू तो आज ही हम तविश का केक कट कर रहे हैं आज ही केक कह रहा मुझे आज ही केक खाना ग्रीक आप कहाँ जा रहे हो ग्रीक ऐसे हमने तविश का एक छोटा सा केक काटा क्योंकि बर्थडे तो उसका 25 को है तो उससे पहले वो अपने घर चला जाएगा तो हमने सोचा कि उसका केक कट कर लेते हैं तो इसलिए हमने उसका केक कट कर लिया। और गाइस देखो मेरे पास कितना काम है दिखाती हूँ। इतने सारे कपड़े गाइस दो दिन के कल घूमने चले गए थे प्रेस नहीं हो पाई और अब मुझे दबा के प्रेस करनी है कम से कम 1.5 घंटा लगेगा तो मैं कर लेती हूँ प्रेस और फिर मिलते हैं प्रेस करने के बाद फिर खाना वाना बनाएंगे। वैसे तो 9:30 हो चुके हैं देखते हैं कब खाना बनेगा और कब प्रेस खत्म होगी। बच्चे खा ही नहीं कर रहे खाना तो इसलिए मैंने सोचा अपना काम समेट लेती हूँ तब तक।